हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी नार्जो 20A के अंदर हम किस प्रकार से अपनी पैटर्न लॉक को सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि हम अपने फोन के अंदर कैसे पैटर्न लॉक लगा सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, बस वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको सेटिंग्स के अंदर चलना होगा क्योंकि आपको ज़्यादातर चीज़ सेटिंग्स में ही देखने को मिलती है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप सेटिंग्स के अंदर आते हैं, सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है फ्रेंड्स, थोड़ा नीचे आने के बाद फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड का। तो यहाँ पे आप देखोगे फिंगरप्रिंट का भी है, फेस का भी है, पासवर्ड का भी, बट आपको यहाँ पे पैटर्न देखने को नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पैटर्न और पासवर्ड एक ही तरह काम करते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, वो है आपका सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड। ओके, उसके बाद सेट प्राइवेसी पासवर्ड। प्राइवेसी पासवर्ड के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो मेरे चैनल पर वीडियो है। प्राइवेसी पासवर्ड कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे कि आपके फोटोज़ हाइड करने हो, ठीक है, वीडियोज़ हाइड करनी हो, तो इसलिए प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना होता है। और आपके ऐप लॉक के ऊपर भी प्राइवेसी पासवर्ड भी सेट होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड पर क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे थोड़ा देर आपको वेट करना होगा। और यहाँ से आपको 2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये इंटर पासवर्ड करने के लिए बोल रही है। अगर आप अपने फ़ोन के ऊपर एज अ पासवर्ड सेट करना चाहते हो, मतलब पैटर्न आपको नहीं लगाना, आपको पासवर्ड डालना है, तब तो आप सिंपल सा यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर पैटर्न लॉक लगाना है, समझ रहे हो ना, पैटर्न लॉक लगाना है, तब आपको क्या करना हो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ से आप जैसे देखोगे तो यूज़ ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पैटर्न देखने को मिल जाता है, 4 डिजिट पासवर्ड देखने को मिल जाता है, 4 to 16 डिजिट पासवर्ड देखने को मिल जाता है, और पासवर्ड और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं पासवर्ड के आपके अंदर, इस फोन के अंदर। तो सिंपल सा यहाँ से हम पैटर्न चूज़ कर लेते हैं अपना और यहाँ से हम अपना पैटर्न ड्रॉ कर देते हैं। पैटर्न ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम इसको कन्फर्म करा देते हैं। कन्फर्म कराने के बाद यहाँ से बोल रहा है ऐड फिंगरप्रिंट। यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट भी ऐड कर सकते हो, बट अभी के लिए यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने अपना सिंपल सा पैटर्न इसके अंदर सेटअप कर दिया है क्योंकि हमको पैटर्न लगाना था, हमने पासवर्ड नहीं किया चूज़, हमको पैटर्न लगाना था। ओके, तो फ्रेंड्स सिंपल तरीके से एक बार हम इसको टेस्ट करते हैं। मैंने इसको लॉक लगा दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे, मैं इस फ़ोन को आपके सामने टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो इसका पैटर्न लॉक काफ़ी इजी तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में बोले, काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जो कि करना भी चाहिए था। सिंपल सा इस प्रकार से आप इसको पैटर्न सेटअप कर सकते हैं। अगर आप अपना पैटर्न को मतलब बदलना चाहें तो क्या करना होगा आपको, सिंपल सा आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, सेट पासवर्ड पे जाना है, यहाँ पे इसको कंफर्म कराना है। ओके, कंफर्म कराने के बाद इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ से मॉडिफाई पासवर्ड पे क्लिक करना है आपको और इसको अब यहाँ से आप दूसरा पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पे ओल्ड फिल करना है। ओके, ओल्ड फिल करने के बाद यहाँ से आपको यूज़ और डिफरेंट पे क्लिक करना है या फिर आप यहाँ से पासवर्ड भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपल सा आपकी बार पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अपना पासवर्ड डाल दे रहे हैं। ओके, पासवर्ड डालने के बाद हम इसको कन्फर्म करा देते हैं। तो इस वीडियो की मदद से आप जान चुके होंगे कि हम कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं, कैसे पैटर्न लॉक लगा सकते हैं, उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कि बदल सकते हैं, दूसरा सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहा हो तो फ्रेंड्स नीचे आप कमेंट बॉक्स खुला रहेगा आपके लिए, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे पर्सनली आपको उसका आंसर करता हूँ सारी कमेंटों का। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दें, वीडियो को डिसलाइक ना करें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।